आपका देख रहे तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हम इस वक्त हरियाणा की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी पर चर्चा की, अब कांग्रेस पर चर्चा की, आज हम चर्चा करेंगे जो तीसरा स्तंभ था ये राजनीति के, चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी के बारे में ये मशहूर है कि वो धरती पुत्र होते हुए किस तरह से अपनी सूझबूझ से वो हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री बने, और उनके मृत्यु के बाद आयरलैंड में भी जिस पुत्र चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन वो विरासत उनसे आगे नहीं बढ़ सकी। उसका सबसे बड़ा खमियाजा उनके परिवार को ही नहीं, सत्ता को ही नहीं, हरियाणा के लोगों को भी भुगतना पड़ा जब जेजेपी का गठन हुआ, जब दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी बना ली अपने चाचे अभय सिंह चौटाला से अलग होकर। इस पे सबसे ड्रॉबैक ये हुआ, जैसे लोगों को आस थी कि ये आईएनएलडी अगली सरकार बना सकेगी, उससे उनके बहुत एमएलए टूट के दूसरी पार्टियों में चले गए। खुद जजपा के एमएलए ने भी कल परसों इस्तीफा दिया है और टोटली ही एक परिवार बिखर गया और दुष्यंत और दिग्विजय अलग अलग हो गए, और अनेक अपने प्रोग्रामों में भी अपनी चाचा के विद्रोह का डंका बजाया। अब कुछ और उन्होंने इलेक्शन में बसपा के साथ समझौता किया। यहां पर सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलेगी कि बसपा ने पहले आईएनएलडी से समझौता किया लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने आईएनएलडी को भी साइड पर कर दिया। फिर जजपा से समझौता किया दुष्यंत के साथ, अब दुष्यंत को भी आगे साइड पर कर दिया। मेकर शायद ये पता अब उनको भी लग गया होगा कि अपने अपने ही होते हैं। अब सभी महागठबंधन की जो हरियाणा के लोगों की मांग है, वो ही चाहते हैं कि ये परिवार द्वारा से एक हो जाए, एक होकर जंग करे। तो महागठबंधन की बातें चल रही हैं, सुनने में हमारे सूत्रों से पता चला है कि महापंचायतों ने बहुत कोशिश कर रही हैं, और साथ में जो अपने सरदार प्रकाश सिंह बादल जी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा से फिर एक हो जाएं। पर सबसे बड़ी बात इसमें यह बात आती है, क्या दुष्यंत चौटाला अपने चाचा अभय चौटाला को अपना नेता स्वीकार करेंगे? यही सबसे बड़ा प्रश्न है हरियाणा के लोगों के जहन में भी, खुद दुष्यंत के जहन में भी, खुद चौधरी अभय सिंह चौटाला के जहन में भी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।